इंडिया न्यूज़। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर कल दिनभर उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती रहीं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, उनके जरिए ट्रेनी डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने की मांग होती रही। और आज इन सब के बाद में आज बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ये बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी ने किया है। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी ने किया है। ये कहा कि छात्रों पर बर्बरता की है, छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। मार्च में हिस्सा लेने वालों पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आज बीजेपी बंद बुला रही है। यानी जो प्रदर्शन कल हुआ था, जो कार्रवाई कल पुलिस की हुई थी, उसके खिलाफ बीजेपी ने सड़कों पर आने की बात कही है। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी खफा है और इसीलिए इस मुद्दे को भुनाते हुए सड़कों पर आने की बात बीजेपी ने कही है। कोलकाता में बवाल हुआ, कल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, बड़ी संख्या में सड़कों पर आए, सचिवालय जाने की बात कही। ऐसे में जब रोका गया तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि पहले इस तरह की कार्रवाई की गई, जिसमें हल्का बल प्रयोग था, लाठी चार्ज था, वाटर कैनन था और आंसू गैस के गोले थे। और उसके बाद में लाठी डंडे मारते हुए वहां से खदेड़ते हुए प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई, जिन्हें प्रदर्शनकारियों को भगाते हुए कोलकाता पुलिस जगह जगह दिखाई दे रही थी। रौनक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। रौनक, कल प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन हमने देखा सड़कों पर, उन्हें रोकते हुए कंट्रोल करते हुए पुलिस वालों को हमने देखा, लेकिन शाम होते होते मिली जुली सी तस्वीरें सामने आई। देखिए, एक तरफ तो पुलिस वाले बहुत गंभीर तौर पर चोटिल हो गए, खून बह रहा था, सिर फूट गया, शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट थी, वो तस्वीरें भी पब्लिक डोमेन में देखी गई, उन पर बात हुई। दूसरी तरफ ये छात्रों का प्रदर्शन कहा जा रहा था, लेकिन इसमें प्योरली छात्र तो नहीं थे, अधेड़ उम्र के लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, कुछ तो भगवा कपड़े पहने हुए थे, मिले जुले से ये लोग प्रदर्शनकारी जो कि सड़कों पर आए। हाँ, उन पर जो लाठी डंडे मारे गए, हॉकी स्टिक से खदेड़ा गया, उस पर अब बीजेपी नाराज और इसीलिए बंद का ऐलान। एकदम ही देखिए, कल ये जो प्रोटेस्ट था ये छात्रों की तरफ से, पश्चिम बंगाल छात्र परिषद की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट रैली, इसका ऐलान किया गया था। मगर जो तस्वीर, वो तस्वीर में साफ है कि सिर्फ उधर छात्र मौजूद नहीं थे, बहुत सारे बुजुर्ग भी उधर मौजूद थे, बहुत सारे आम लोग भी उस रैली में शामिल हो गए थे, मगर पुलिस की तरफ से उसका परमिशन नहीं मिला था। उसके बाद ही पुलिस ने जब रोकने का कोशिश किया, पुलिस के साथ उन लोगों का हाथापाई हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, पुलिस को टियर सेल फेंकना पड़ा और उसके साथ साथ ही पुलिस को उनके ऊपर वाटर कैनन भी चार्ज करना पड़ा। उसी के प्रतिवाद में आज बीजेपी की तरफ से 12 घंटे का बंद का ऐलान किया गया है। और बंद को लेकर आज पूरा पश्चिम बंगाल में हर एक जिला से बहुत सारे तस्वीर सामने आ रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी कर्मियों की तरफ से रेल को रोक दिया जा रहा है, रेल स्टेशन के ऊपर वो लोग विरोध दिखा रहे हैं, रेल पटरी के ऊपर बैठ के वो लोग विरोध दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस के साथ भी बहुत सारे जगह पे झड़प हुआ है बीजेपी कर्मियों का। और अभी मैं फिलहाल आपको बागुएटी का तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि एक तरफ जब इधर पुलिस पर्सनल इधर मौजूद है, आप देख ही सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स को भी मौजूद रखा गया है और उसके साथ साथ ही जो पुलिस का फोर्स, वो फोर्स को भी इधर रखा गया है, क्योंकि इस जगह में सुबह 11 बजे के आसपास ही बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार खुद इधर आके जो बंद का प्रदर्शन करेंगे। और उसके साथ साथ ही आप देख ही सकते हैं, ठीक पुलिस का ठीक सामने ही जो बीजेपी कार्यकर्ता है, वो बीजेपी कार्यकर्ता भी इधर मौजूद है, उनकी तरफ से भी आज बंद में किस तरीके से वो लोग काम करेंगे, बंद का जो ऐलान वो माइकिंग किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से, माइकिंग करके जो इधर का लोकल रेजिडेंट है उनको बोला जा रहा है कि आज जो बंद का ऐलान किया गया है वो बंद को सक्सेसफुल किया जाए। और बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही रास्ते में आ पा रहे हैं, मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, आज आप लोग किस तरीके से ये बंद को सक्सेसफुल करेंगे? हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और हम लोग का साथ दे और हम लोग इस बंद को सफल बनाना चाहते हैं। जो ममता बनर्जी को पता चले कि यहाँ हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। तो आज आप लोगों का क्या प्लानिंग है? আমাদের আজকে ধর্মপাট গেছিলাম, কিন্তু তো মানামানি করছে না, তাদের মতো মানে দিদির কথা মতো রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া সব চলছে, তাহলে আমরা কেন রুখে দাঁড়াবো না? দাদা, আজ কি তরিকে সে আপ লোক প্ল্যানিং কর রহে কি এ বন্ধ কো সাকসেসফুল কিয়া যায়? বন্ধ দেখিয়ে ইসলিয়ে বুলাযা গয়া হ্যায় কি কল জো হামারে ছাত্র লোক গয়ে থে উনকে উপর লাঠি চার্জ কিয়া গয়া, ফায়ার কিয়া গয়া, গ্যাস ছোড়া গয়া, পানি সে মারা গয়া। কিউ? কিউকি ও আরাম সে আন্দোলন করনে গয়ে থে, বাট উনে ফির ভি মারা গয়া, ভাগায়া গয়া,
इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि हम जो है चाहते हैं न्याय। जिस लड़की को इस तरह से बेरहमी से मारा गया, जो डॉक्टर थी, उसके वजह से हम लोग आज रास्ते में उतरे हैं और हम चाहते हैं कि ये बंद सफल किया जाए बीजेपी की तरफ से और लोग हमारे साथ जुड़े और इस बंद को सफल करके एक न्याय की जो हमारी मांग है वो पूरी की जा सके। एकदम ही देखिए, कल जिस तरीके का घटना सामने आया था कोलकाता से, वो घटना के प्रतिवाद में आज बीजेपी की तरफ से 12 घंटे का बंद का ऐलान किया गया है और उसके लिए बीजेपी का ये प्रोटेस्ट को लेकर जो पुलिस प्रोटेक्शन आप देख ही सकते हैं रस्ते में, विधाननगर पुलिस का जो ऑफिसर्स वो इधर मौजूद हो चुके हैं और विधाननगर पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स को भी इधर मौजूद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का घटना भी घटा था और उसके बाद आज भी लगातार जो बंद को लेकर जिस तरीके का विरोध पश्चिम बंगाल का हर एक जिला से देखने को मिल रहा है कि किसी भी जगह को रेल रोक दिया जा रहा है, रेल के पटरी पे ऊपर बैठ रहा है प्रोटेस्टर और उसके साथ साथ ही जो दुकान पाट तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस के साथ हाथापाई हो रहा है। उसी सिचुएशन पर पुलिस की तरफ से पूरा तैयारी करके रखा गया है, जो रैपिड एक्शन फोर्स उनको मौजूद रखा गया है और उसके साथ साथ ही जो पुलिस पर्सनल वो भी इधर मौजूद है, जो बागेड़ी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर वो भी इधर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ जब बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये बंद का विरोध में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस है वो पुलिस भी इधर मौजूद है। यानी आप देख ही सकते हैं कि एकदम कोलकाता में सुबह 10 बजे के आसपास ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है और जो बीजेपी सपोर्टर्स है उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। तो दादा, आपको क्या लगता है, ये बंद जो है वो सक्सेसफुल किया जा सकता है कि ये जो बंद है, बंद क्या सक्सेसफुल हो रहा है? या एकदम आप अपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब दुकान बंद है, आज उस तरह से बस भी नहीं चल रही है, जितना कुछ है पब्लिक जो है वो अपने आप सतुष्ट भाव से वो रिस्पांस कर रही है। बंद, ये जो बंद का ऐलान हुआ है इसमें तो बहुत सारे आम पब्लिक का भी तो दिक्कत हो रहा है। आम पब्लिक ने ही बंद को सपोर्ट किया है, आम पब्लिक ने ही बंद को सपोर्ट किया है। ये हमारे सिर्फ बीजेपी का बात नहीं है, देखिए आप खुद दे सकते हैं, पब्लिक ने खुद इसका रिस्पॉन्स दिया है। ये आज हमारे राज्य में जो अराजकता छाया हुआ उसका रिस्पॉन्स देखिए, पूरा पब्लिक ने ही समर्थन दिया है उसका। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनके तरफ से लगातार माइकिंग किया जा रहा है, उनके तरफ से जो रस्ते में ठीक है रौनक, बहुत ज्यादा भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है। बीजेपी झंडे लेकर अपने और सड़कों पर आ गई है, 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। इस बंद से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपके जरिए आगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, आप रहिए मेरे साथ में। मेरे साथ में राधिका भट्टाचार्य शाह जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साबिर अली मेरे साथ में जुड़ गए हैं, नेता टीएमसी, और साथ ही साथ मेरे साथ जैद अनवर जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले राधिका भट्टाचार्य शाह, आपसे मेरा सवाल, कल प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द रहा उन्हें खदेड़ना और टकराव की स्थिति ऐसी दिखी कि फिर दोनों तरफ लोग चोटिल हुए, चाहे पुलिस वाले हों चाहे प्रदर्शनकारी हों। आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है, क्या होगा इस बंद से? देखिए ये पहले तो मैं बताऊं कि ये एक लोगों का एक जो मूवमेंट है ना, प्रदर्शन है, अभी इसमें आप स्टूडेंट की किसका की औरतों का की बच्चों का इसको हम नहीं लाएंगे बीच में। अभी बंगाल की जो स्थिति थी आज से नहीं है, लोग आज जागरण हो गए हैं क्योंकि डॉक्टर अभाया के साथ ऐसा हत्याकांड हुआ कि इसमें सबके रोंगटे खड़े हो गए कि अभी हमारी बेटियों का क्या होगा, हम उनको डॉक्टर बनाएंगे कि नहीं, हम उनको कॉलेज में प्रोफेसर बनाएंगे कि नहीं, स्कूल में टीचर बनाएंगे कि नहीं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, औरतें हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, इतना कि हमारे प्रदेश के राज्यपाल जी कहते हैं मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, कलकत्ता पुलिस को आप निकालो, मुझे उनकी सुरक्षा नहीं चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से टीएमसी आई है सत्ते पे, क्या हुआ था कि शायद उनको लगा था कि देखिए ये बंगाली जात 34 साल अगर CPIM को झेल सके तो हमें तो 12 ही साल हुए हैं और 20 साल तो हम राज करेंगे ऐसे ही अराजकता में, ऐसे ही एक तानाशाह के नीचे, ऐसे ही लोगों को गुंडों से डरा के। हमें पता है वेस्ट बंगाल की स्थिति। मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ कि ये बात नहीं कह रही हूँ, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है कि इलेक्शन के टाइम बंगाल में क्या होता, किस तरीके से वो आम जनता को
डराते किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है, किस तरीके से लोग लोगों को डरा के शासन। राधिका जी अभी आपने कहा था, राधिका जी अभी आपने कहा था कि प्रदर्शनकारी ये सिर्फ स्टूडेंट थे या महिलाएं, पुरुष और बाकी बुजुर्ग इसका हिस्सा थे, इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो अगर डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की बात हो रही है तो मुझे लगता है वहीं तक रहें। चुनावों की या बूथ कैप्चरिंग की अगर बात करेंगे तो फिर मामला बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा और फिर हमारे हमारे टॉपिक में बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी जितना कि टाइम नहीं है। अगर हम महिलाओं बेटियों की सुरक्षा पर फोकस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा आपने कहा टीएमसी जब से आई है, आपने कहा टीएमसी जब से आई है गुंडागर्दी हो गई, महिलाएं क्या वहां तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, राज्यपाल खुद इस बात को कहते हैं। अब मेरा सवाल एक महिला होने के नाते एक दूसरी महिला से है, अगर पश्चिम बंगाल में महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है, मैं बिल्कुल मान रही हूं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूं वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इसीलिए आज बीजेपी ने बंद बुलाया है, बाकी स्टेट्स में सुरक्षित है क्या? कल ही उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई थी अयोध्या में 4 साल की बच्ची से रेप हो गया, अभी एक हफ्ते पहले 12 साल की बच्ची से गैंग रेप हो गया था। जब हम कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की बातें कर रहे थे, ठीक उसके चंद दिन बाद उत्तराखंड से खबर सामने आ गई थी जहां नर्स के साथ हैवानियत करके जंगल में छोड़ दिया था और उसकी तो डेड बॉडी भी ठीक से नहीं मिली, कंकाल की फॉर्म में मिली, बॉडी बहुत हद तक खराब हो चुकी थी क्योंकि हफ्ता 10 दिन बीत चुके थे। उस पर आप कुछ नहीं बोले, उत्तर प्रदेश पर आप कुछ नहीं बोलते, महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो गया, कल ही मेडिकल के स्टूडेंट के साथ ऑटो में चलते ऑटो में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप हो गया, आप वहां कुछ नहीं बोलते। राजस्थान में 3 साल की बच्ची को सोते हुए उसकी माँ के पास उठाया गया, रेप किया, जान से मार दिया गया, आप वहां कुछ नहीं बोलते। आप मुझे पूछेंगे तो बोलूंगी क्योंकि आज का ये मौजू है बंगाल जी, मुझे बताइए इसलिए मैं बंगाल अगर अगर कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में बंद बुलाया गया है तो वहां बाकी जहां जहां मैंने जिक्र किया या फिर ऑल द स्टेट अगर आप कहीं भी ऐसा देखें चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार हो वहां ये प्रदर्शन क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे स्टेट में बंगाल की तरह अराजकता नहीं है, वहां पे कोई तानाशाह एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहां का बंगाल का पॉलिटिक्स भर देश के पॉलिटिक्स से जुदा है, अलग है, परे है। तो इसलिए बंगाल की अगर आप बात करें तो बाकी जगह की घटनाओं को नजरअंदाज कर दें क्या राधिका जी? कहीं नहीं करेंगे, औरतों पे हमला कहीं नहीं नजरअंदाज करेंगे क्योंकि हमारी उठाइए फिर मुद्दा जरूर देखिए, हम बंगाल से हैं, हम बंगाल में उठा रहे, ठीक है, इसको जहां उठाना है। आप कह रही हैं कि आप बंगाल से हैं इसीलिए आप बंगाल में इस मुद्दे को उठा रही हैं, ठीक है, मैं और गेस्ट का भी रुख कर लेती हूँ, बंगाल का हाल समझ गए, वो बेहाल आप बंगाल में हैं और बंगाल में बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और आप उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं, मैं समझ गई। मैंने पहले भी कहा महिलाएं बेटी बहन कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी जगह अगर ये हैवानियत हो रही है, अगर ये अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। मेरे साथ में साबिर अली जी हैं, साबिर अली जी बार बार पश्चिम बंगाल का जिक्र क्यों आता है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर, साबिर अली जी और क्यों बार बार ममता बनर्जी से सवाल करने की नौबत आ जाती है?